तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आज का एक अबू धाबी T10 मैच जो कि आज खेला जाएगा शाम को। तो पहला T20 होगा, T10 मैच होगा उसको नहीं कवर करूँगा मैं। सेकंड अबू धाबी T10 मैच होगा उसको मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो ये मैच खेला जाएगा NW वर्सेस MSA के बीच में मैच खेला जाएगा। काफ़ी बड़ा मैच हो सकता है आपके लिए। अभी के लिए वीडियो बना लो, तो अभी के लिए एनालाइज करके आप अभी टीम रेडी करके रख लो। और यहाँ पे देख लो, इस मैच में आपको फ्री एंट्री मिलेगी। आप तो 20 टीम लगा सकते हैं, यहाँ पे 20 टीम लगा के आप बोनस कमा सकते हैं आसानी से बोनस। और उसी बोनस अमाउंट से यहाँ पे 100% बोनस लीग यहाँ पे 5 रुपये का, उसको आप ज्वाइन करके आप रियल कैश कमा सकते हो फ्री में। और वहाँ पे 59 रुपीज़ का भी 100% बोनस लीग है, वो भी आप ज्वाइन करके आसानी से आप अमाउंट कमा सकते हो। काफ़ी बड़े आप वैस जरूर एक बार ट्राई कर लो। तो वैस यहाँ पे देख लेते, पहले धोनी को कुछ प्लेयर के साथ देख ले। प्लेयर के साथ देखने पर मेरा फाइनल टीम में दिखाऊंगा बाद में। तो उससे पहले आपको इस वीडियो को अच्छा लगा तो आपको एक लाइक कर दो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि और वीडियो आपको देखे। तो चलो गाइस, पहले देखते हैं दोनों टीम को कुछ प्लेयर के साथ देख ले। तो यहाँ पे देख लो NW वर्सेस MSA, उनके प्लेयर के कुछ रिसेंट मैच कैसे वो भी देख लेते हैं। पहले रिसेंट मैच में कैसे परफॉर्मेंस करके आ रहे, तो NW के कुछ प्लेयर के साथ देख लेते हैं। यहाँ पे पहले आते हैं यहाँ पे गस अटिक्सन, बहुत बड़ा बॉलर है। पिछले मैच 0-5 SRN का रिकॉर्ड, और बॉलिंग में से पिछले 4 मैच सब मैच 2-2 विकेट लेकर आए। गस अटिक्सन एक बहुत बड़ा बॉलर है, तेज गेंदबाज, अगर खेलेगा तो जरूर इनको पिक करना। नेक्स्ट आते यहाँ पे इसरो उड़ाना, यहाँ पे पिछले मैच उनका नहीं दिख रहा पर खेले ये मैच, श्रीलंका के बॉलर है, ये भी विकेट टेक बॉलर है, ये भी खेलेगा तो इनको भी जरूर ट्राई कर सकते हो, काफ़ी बड़ा बॉलर है ये भी। उस्मान खान बहुत बड़ा बैट्समैन है, इनका रिकॉर्ड देख लो 47-21-213-89-52-38 SRN का रिकॉर्ड है, काफ़ी बड़ा परफॉर्मेंस करके आते हैं हर मैच पे। और देखो पिक कर सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में और स्मॉल लीग में भी। अभिमन्यु मिथुन ये भी बहुत बड़ा बॉलर है, ये भी खेलेगा तो इनको पिक करना, ये भी विकेट लेके आ रहे हर मैच में, तो इनका भी रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, तो इनको भी जरूर ट्राई कर सकते हो। तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे एडम मोज़, आई थिंक नहीं खेलेगा, जूनियर सिद्दीकी, ये भी एक बहुत बड़ा बॉलर है, इनका रिकॉर्ड देख लो 2-1-0-3-0 SRN इनका विकेट लेना है, विकेट लेके आ रहे, ये भी असली विकेट विकेट अगर बॉलर है, इनको भी जरूर कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, एक अच्छे पिक हो सकते हैं। एडम ले तो एक बहुत बड़ा बैट्समैन है, पिछले मैच में खेले थे उससे पहले 5-20-47-46-56 SRN का रिकॉर्ड है, ये भी टिक टॉक परफॉर्मेंस करके आते हैं। तो बस एडम ले भी बहुत बड़े बैट्समैन है, तो इनको भी ट्राई कर सकते हो। लियाम डॉनसन एक स्पिन बॉलर है, ये भी खेलेगा तो इनको पिक करना, इनको भी रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, ये भी विकेट टेकर बॉलर हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे मोहम्मद इरफान, इनका रिकॉर्ड देख लो पिछले मैच खेले थे उससे पहले हर मैच एक तो विकेट ले गए थे, तो उसकी वजह से उनको पिक कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे शाफिन रदरफोर्ड, पिछले मैच खेले थे उससे पहले 26-56-10-4-4-37-49 SRN का रिकॉर्ड है, और बॉलिंग करते का विकॉर और वहाँ भी आपको विकेट लेके आ सकते हो। तो शाफिन रदरफोर्ड बहुत बड़े बैट्समैन है, थोड़े नीचे बैटिंग करने आते पर प्लेयर बहुत बड़े हार्ड हिटर बैट्समैन है, एक अच्छे खासे बैटिंग करके जा सकते हैं। वानिंडो असरंगा आई थिंक नहीं खेलेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान श्रीलंका मैच खेलेंगे, वहाँ पे विकेट लेके आई थी, वहाँ पे विकेट अगर खेलेगा तो इनको जरूर ट्राई करना, कैप्टन भी जरूर ट्राई करना, क्योंकि विकेट टेकर बहुत है और बैटिंग में चांस मिले तो बैटिंग भी अच्छा खासा करके आ सकता है। दशमन चरमिरा पिछले मैच में 1 रन 8 रन बनाए गए थे बैटिंग से, और विकेट में UAE के खिलाफ 3 विकेट उससे पहले 1-0-1-0 SRN का रिकॉर्ड है, ये भी एक विकेट टेकर बहुत है, ये भी खेलेगा तो उनको भी ट्राई करना। रियाड एमरिट पिछले 4 मैच विकेट नहीं लेके आए, और बॉलिंग भी उतना अच्छा नहीं है इनका, बैटिंग भी उतना अच्छा नहीं, तो देख लो ट्राई करते ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। किन्नर लुइस एक बहुत बड़ा बैट्समैन है, एक विकेट के बैट्समैन बोल सकते हो, अच्छा खासा बैट्समैन है, हार्ड हिटर बैट्समैन, अच्छा खासा बैटिंग करके आ सकता है इस मैच में भी, तो इनको जरूर ट्राई कर सकते हो। तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे क्रिस गेन ये भी प्लेयर बहुत बड़ा है, एक स्पिन बॉलर है, खेलेगा तो इनको जरूर पिक करना, विकेट का बॉलर है, पिछले मैच 4 विकेट उससे पहले 0-2-0-2 SRN का रिकॉर्ड है, बहुत बड़ा बॉलर है, इनको भी ट्राई कर सकते हो। वेन पैनल एक ऑलराउंडर बोल सकते हो, पिछले मैच में खेले थे उससे पहले 1-0-1-3 SRN का रिकॉर्ड है, ये भी विकेट टेकर बॉलर है। और नेक्स्ट आया यहाँ पे रोहन पॉल, बहुत बड़ा बैट्समैन है, हार्ड हिटर बैट्समैन, और कभी कभी बॉलिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको विकेट लेके आ सकते हैं, पिछले मैच खेले थे उससे पहले 25-25-105-14-27 SRN का रिकॉर्ड है, 20 पोजीशन आसानी से बना के आ सकते हो उनको, इसकी वजह से इनको ट्राई कर सकते हो, और ये बॉलिंग भी कर सकता है। हमदान ताहिर आई थिंक नहीं खेलेगा। अब देख लेते हैं MSA कुछ प्लेयर के रिकॉर्ड, उनके कैसे है रिकॉर्ड। तो शार्डन क्लॉटरल बहुत बड़े बॉलर है, पिछले 3 मैच विकेट नहीं लेके आए थे, पर पिछले मैच विकेट लेके आए थे, वो अभी ऐड नहीं हुआ है, तो देख लेंगे बाद में ऐप में
आपको मैं सारा रिकॉर्ड दिखा लूँगा सब प्लेयर का। यहाँ पे सिर्फ उन प्लेयर का फॉर्म का देख ले, फॉर्म के रिकॉर्ड कैसा है पिछले 4-5 मैच में, कैसे परफॉर्मेंस करके आ रहे, तो वो सब देख ले। यहाँ पे एंड्रे गोस अभी भी नहीं खेलेंगे, अहमद राजा आई थिंक ये भी नहीं खेले थे पिछले 2-3 मैच में, बेस्टिलेट ये भी नहीं खेलेंगे आई थिंक, और नेक्स्ट इब्राहिम जाडन ये भी डाउट रहेंगे। देख लो उनका भी रिकॉर्ड देख लो, पिछले मैच 162 रन बनाए गए थे श्रीलंका के खिलाफ, तो अगर खेलेगा तो यहाँ पे दुबई में आए तो खेल सकते हैं, वरना नहीं खेल सकते, पर रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, खेलेगा तो उनको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। एंडिस नॉर्किया पिछले मैच 2 विकेट, उससे पहले 0-1-4-1-4 ऐसा इनका रिकॉर्ड है, ये भी टिक टॉक बॉलर है, ये भी विकेट लेकर आ सकते हैं। डिवेन पेडोरेस ये एक बहुत बड़े ऑलराउंडर है, पिछले मैच में 3 विकेट, उससे पहले फिर से 3 लगातार विकेट लेकर आ रहे हर मैच में, तो इसकी वजह से मैं इनको पिक करूँगा और इनको जरूर कैप्टन ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बॉलर बहुत बड़ा है, विकेट भी लेकर आते हैं और बैटिंग में भी चांस मिले तो बैटिंग भी एक अच्छा खासा करके आ सकता है। मोइन अली और एक ऑलराउंडर है, पिछले मैच 42 रन, उससे पहले 11-10-19 ऐसा इनका रिकॉर्ड है, और ये बॉलिंग नहीं कर रहे ज़्यादा, पर बॉलिंग करते तो विकेट भी लेके आ सकते हैं, तो ये भी देख सकते हो, बॉलिंग भी करते हैं तो ज़रूर कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। तो बैसिल हैमिड आई थिंक ये भी नहीं खेलेंगे, पर इनका रिकॉर्ड अच्छा है, बैटिंग से अच्छा खासा करके आते हैं और बॉलिंग से भी कभी कभार विकेट लेके आ सकते हैं। डेविड मिलर पिछले मैच से बहुत बड़ा बैटिंग परफॉर्मेंस किया था, पर यहाँ पे अभी ऐड नहीं हुआ है, ये भी प्लेयर बहुत बड़ा है, हार्ड हिटर बैट्समैन है, थोड़ा नीचे बैटिंग करने आते, पर बैट्समैन बहुत बड़ा है, तो इनको भी जरूर कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में प्लस ग्रैंड लीग में भी। और राजा आके फाइटिंग नहीं खेलेगा, जैकोब स्पिनर ये भी नहीं, जॉसन चार्ल्स ये भी प्लेयर मैन ऑफ द मैच हुए थे पिछले मैच में, पर इनका रिकॉर्ड अभी ऐड नहीं हुआ है, पिछले मैच 20 रन 7-8-89 ऐसा इनका रिकॉर्ड है, पर इस मैच में मुझे लग रहा है फ्लॉप हो सकते हैं, तो देखो आप ट्राई कर सकते हो। करीम जन्नत ये भी ऑलराउंडर है, पिछले मैच 1 रन, उससे पहले 22-2-15 ऐसा इनका रिकॉर्ड है, और पिछले मैच 3 विकेट लेके आए थे, सॉरी पिछले मैच में, उससे पहले मैच में पिछले मैच में विकेट नहीं लेके आए थे आई थिंक। तो नेक्स्ट जमैका करुणारत्न पिछले मैच में खेले थे, उनका भी रिकॉर्ड देख लेते कैसा है, यहाँ पे अभी तक ऐड नहीं हुआ है, पर देख लेते हैं रिकॉर्ड कैसा है इनका। करुणारत्न भी खेलेगा तो उनको ज़रूर ट्राई करना, विकेट लेके आ सकते हैं और बैटिंग भी अच्छा खासा करके आते हैं। जॉर्ज गोटोन आई थिंक नहीं खेलेगा। शिमर हैटमैन खेलता पिछले मैच 24, उससे पहले 38-86-21-37 ऐसा इनका रिकॉर्ड है, हैटमैन भी एक बहुत बड़ा बैट्समैन है और एक कैप्टन भी है टीम का, तो उनको पिक कर सकते हैं। तो वैसे आप देख लेते हैं प्लेयर स्टेडियम में कैसे परफॉर्मेंस करके आते हैं वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहले अभिमन मिथुन 10 मैच में 17 रन, एडम लिथ 13 मैच खेला उसमें 183 रन बना के आ रहे, 50 इनका हाई स्कोर है। और नेक्स्ट यहाँ पे कोई अच्छा नहीं दिख रहा, कैमरों के 1 मैच खेला था उसमें 18 रन बना के आया था PSL में। डेविड मिलर टी टेन में देख लो 2 मैच में 5 रन, अभी ऐड नहीं हुआ यहाँ पे। और जॉर्ज गोटन 26 रन बना के आया था, इसरो उड़ाना 83 रन 12 मैच में। जॉसन चार्ल्स 26 मैच खेला उसमें 490 रन बना के आ रहे, 73 रन का हाई स्कोर है। और करीम जन्नत 16 मैच खेला यहाँ पे और 86 रन बना के आ रहे, 22 रन का हाई स्कोर है। किन्नर लेविस 18 मैच में 316 रन 65 का हाई स्कोर है। मोइन अली 18 मैच में 428 रन 77 हाई स्कोर है। और यहाँ पे नेक्स्ट रोन पॉल 21 मैच है 522 रन 63 रन का हाई स्कोर है। रदरफोर्ड 25 मैच है 351 रन। और कोई अच्छा नहीं लग रहा मुझे बॉलिंग में, देख लेते बॉलिंग में कौन विकेट लेकर आ रहे। अभिमन्यु मित्तल 10 मैच में 5 विकेट, अहमद राजा विकेट लेकर बॉल रहे 7 विकेट, नॉर्किया 6 विकेट 2 मैच में 2 विकेट टी टेन में, कर्नारत ने टी टेन में विकेट नहीं लिया यहाँ पे। और नेक्स्ट प्रिटोरियस 6 विकेट लेकर है 2 मैच में, और इसरो उड़ाना 3 मैच में 2 विकेट 5 में 12 मैच में 5 विकेट टी टेन में। जूनियर सिद्धू की 14 मैच में 15 विकेट। और किन्नर लेविस यहाँ पर बॉलिंग किया है तो देखो ट्राई कर सकते हो। मोइन अली सिर्फ 1 विकेट लेकर आ रहे, और असरंगा यहाँ पे 22 विकेट लेकर आए 18 मैच में। तो आज आप देख लेते हैं इन दोनों के बीच में कोई मैच हुआ है कि नहीं, देखिएगा हेड टू हेड मैच, अगर हेड टू हेड मैच हुआ तो वो उसका थोड़ा स्कोर कार्ड देख लेते, तो कोई मैच हुआ नहीं, इनका पिछले मैच में क्या परफॉर्मेंस होता वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहले MSA के कुछ प्लेयर के स्टार्ट, सॉरी प्लेयर के पिछले मैच में स्कोर कार्ड, तो MSA ने पहले बैटिंग कर दिया 126 रन बनाए थे 2 विकेट खोकर, उसमें जॉसन साल्ट 58 रन, करीम जन्नत 21, मोइन अली 10 रन और मिलर 35 रन की नोट पर खेल गए थे। और बॉलिंग में 5 विकेट लिए थे, उसमें 2 विकेट शार्डन काठोर, 1 करीम जन्नत और डिवन पेटोरिस ने 1 विकेट लिया था, और कोई बॉलर ने यहाँ पे विकेट नहीं लिया था। ये हुआ था MSA के। नॉर्दर्न वॉरियर्स का कुछ देख लेते हैं उनका कैसा स्कोर कार्ड। तो नॉर्दर्न वॉरियर्स ने पिछले मैच में उन्होंने हार करा के 5 विकेट से, तो नॉर्दर्न वॉरियर्स से पहले बैटिंग किए थे 143 रन बनाए थे 3 विकेट खोकर, उसमें
उस्मान खान 48 रन, एडम लिथ 14, रॉन पॉल 54 रन, रदरफोर्ड 16, किन्नर लिविस ने 1 रन बना के आउट हुआ था, आउट नहीं हुआ था। वहीं उनके बॉलिंग में 3 विकेट लेकर था मोहम्मद इरफान और जीवन सिद्धू की 1 विकेट, वेन पर्न ने 1 विकेट लेकर आया था और कोई बॉलर ने विकेट नहीं लिया था। तो चलो गाइस सब स्कोर कार्ड देख ले, सब टीम के प्लेयर के स्टैंड पर देख ले। तो चलो अब टीम देख लेते, मैं ऑलरेडी टीम बना चुका हूँ तो मैं उसको एडिट करके दिखाऊंगा आपके सामने। चलो गाइस टीम देख लेते। तो गाइस एक मेरी स्मॉल टीम रहेगी, तो इस टीम में पहले यहाँ पे मैं 3 बैट्समैन के साथ जाऊँगा। पहले मेरे रॉन पॉल को मैं मस्ट पिक करूँगा क्योंकि कैप्टन है, बैटिंग बहुत बड़ा कर लेते हैं। पिछले मैच में देख लो उन्होंने 54 रन की पारी कर गए थे नॉट आउट पारी, और उससे पहले मैच 2 रन, और उससे पहले मैच उन्होंने 76 रन मारा था। हार्ड हिटर बैट्समैन है, लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, तो इसकी वजह से मैं इनको पिक करूँगा और इनको जरूर कैप्टन ट्राई कर सकते हो, एक अच्छे पिक हो सकते हैं कैप्टन के लिए। नेक्स्ट आते यहाँ पे उस्मान खान, उस्मान खान ने बहुत बड़े बैट्समैन है, पिछले मैच 48 रन मारा था, उससे पहले 65 रन, उससे पहले फ्लॉप हुआ था, उससे पहले 13 रन, तो लगातार लास्ट 2 मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहा है। तो इस मैच में मुझे लग रहा है एक अच्छे पारी खेल कर आ सकता है, 20-25 रन बना के तो बनाते तो हमको चलेगा, तो इसकी वजह से मैं इनको पिक करूँगा उस्मान खान। और नेक्स्ट टाइम मैं डेविड मिलर को लूँगा क्योंकि डेविड मिलर पिछले मैच में बहुत बड़ा बैटिंग परफॉर्मेंस किया था 35 रन के, उससे पहले सिर्फ 1 रन, उससे पहले 2 रन बना के आया था, तो लास्ट 3 मैच में फ्लॉप ही हुआ था। तो इस मैच में और पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहा है और इस मैच एक अच्छा परफॉर्मेंस करके जा सकता है। तो यहाँ पे आप सेफ जा सकते हो, डेविड मिलर को हटा के सेमन हार्टमैन को ले सकते हो, या उस्मान खान को हटा के एडम लिथ और या फिर हदरफोर्ड, इन दोनों में से कोई एक को आप ले सकते हो। पर अभी के लिए मेरे 3 बैट्समैन रहेंगे। विकेट पोजिशन में मैं मस्ट पिक करूँगा जॉसन चार्ल्स को, क्योंकि जॉसन चार्ल्स विकेट भी करेगा प्लस यहाँ पे ओपनिंग करेगा। पिछले मैच से 58 रन बनाया था, उससे पहले 3 रन, उससे पहले 20 रन, 2 कैच पड़ा था, उससे पहले 23 रन, तो विकेट की पिक करेगा तो बैटिंग भी ओपनिंग करेगा, तो इसकी वजह से मैं इनको पिक करूँगा। एक सेफ पिक मानूंगा मैं क्योंकि यहाँ पे किन्नर लिविस है, वो थोड़ा नीचे बैटिंग करने आते हैं। तो आज आप जॉसन चार्ल्स को ले सकते हैं, किन्नर लिविस को आप ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक को आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑल आउट में मैं सिर्फ 2 ऑल लूँगा, पहले करमी ज़्यादा मस्ट पिक करूँगा क्योंकि 1 डाउन बैटिंग करने आती है और 2 ओवर बॉलिंग भी करते हैं। तो उनका रिकॉर्ड देख लो, पिछले मैच 21 1 विकेट, उससे पहले 9 रन, उससे पहले 1 रन, 3 विकेट, उससे पहले 58 रन बना गया था। करीम जाना तो एक मस्ट पिक करूँगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों बहुत बड़ा कर लेता है, थोड़ा उन्हें ऊपर बैटिंग करने आता है, तो उसकी वजह से मैं इनको पिक करूँगा। आपकी मर्जी, आप उनको छोड़ना चाहते हो आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट डोन प्रिटोरियस, ये भी मस्ट पिक करूँगा, पिछले मैच उन्होंने 1 विकेट ले गया था, उससे पहले विकेट नहीं लेता, उससे पहले 2 रन, 3 विकेट और उससे पहले 1 विकेट, तो ये भी हर मैच विकेट लेके आ रहे हैं प्रिटोरियस, तो इनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में, और स्मॉल लीग भी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। अभी के लिए मैं 2 ऑल राउंडर रहेंगे, तो इनमें से कोई आपको लेना छोड़ सकते हो, आप उनको छोड़ के किसी और को ले सकते हो। तो बॉलिंग में यहाँ पे मैं 5 बॉलर के साथ जाऊँगा, पहले मेरे बॉलर रहेंगे यहाँ पे हेंड्रिक नोर्किया, पिछले मैच देख लो 5 रन बना के आउट होता था, सॉरी 5 डॉट बॉल गया था पर विकेट नहीं ले गए थे, उससे पहले 4 रन, उससे भी विकेट नहीं, उससे पहले 2 विकेट ले गया था, उससे पहले 2 विकेट, तो मुझे 2 मैच में फ्लॉप हुआ है पर इस मैच में मुझे लग रहा है 1 विकेट लेके आ सकते। तो वैसे नोर्किया 2 मैच में फ्लॉप हुआ है, तो इस मैच में मुझे लग रहा है एक अच्छे पारी खेल के जा सकता है, ये 2 दिन विकेट आराम से लेके जा सकता है, तो इसकी वजह से मैं इसको ट्राई करूँगा। नेक्स्ट है यहाँ पे वेन पैनल, ये भी मस्ट पिक करूँगा मैं, वेन पैनल भी बहुत बड़ा बॉलर है, पिछले मैच 1 विकेट, उससे पहले 2 विकेट, उससे पहले 1 विकेट और उससे पहले 1 मैच से फ्लॉप होता, एक मैच छोड़कर 5 मैच में सब मैच में विकेट लेके रहे पैनल ने, तो इसकी वजह से मैं इनको पिक करूँगा। पैनल भी एक मस्ट पिक करूँगा स्मॉल लीग में और ग्रैंड लीग में, क्योंकि सब मैच में विकेट लेके आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे अहमद रजा को लूँगा मैं, अहमद रजा भी प्लेयर बहुत बड़ा है, पिछले मैच में खिलाया था, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 2 डॉट बॉल गया था, उससे पहले 1 विकेट, तो वैसे अहमद रजा भी विकेट लेके आ रहा, तो इसकी वजह से मैं इनको पिक करूँगा और एक इस मैच में मुझे लग रहा है 1 विकेट लेके आ सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं पिक करूँगा जुनेश सिद्धू की एक बहुत बड़े बॉलर है, ये भी सब मैच विकेट लेके आ रहे, पिछले मैच में 1 विकेट, उससे पहले 1 मैच फ्लॉप हुआ था 2 मैच में और उससे पहले मैच दिखाया था, तो सिद्धू की एक बहुत बड़े बॉलर है, तो मुझे लग रहा है इस मैच 1 विकेट लेके आ सकते हैं। तो आपको नहीं लाना चाहते आप यहाँ पे, मैं अदर ऑप्शन है वो भी ऑप्शन आपको बता दूंगा कौन ऑप्शन है, आप उनको भी आप ट्राई कर सकते हो। तो लास्ट मेरा बॉलर रहेगा शार्दुल काटोल, काटोल ने पिछले मैच में विकेट ले गया था फ्लॉप होने के बाद 2 विकेट, उससे पहले 4 सब मैच में फ्लॉप होता और पिछले मैच में विकेट ले गया था, तो इसकी वजह से मैं इनको पिक करूँगा और इस मैच में मुझे लग रहा है विकेट ले जा सकता है। तो यहाँ पे आपको सिद्धू की नहीं चाहिए तो यहाँ पे मोहम्मद इरफान एक ऑप्शन है और यहाँ पे अभिमन्यु मित्र, 2 ऑप्शन है आपके पास,
मोहम्मद इरफान भी प्लेयर बहुत बड़ा है, पिछले मैच में सब मैच विकेट लेके आए थे, पर मुझे लग रहा था पिछले मैच से 3 विकेट लेके आए थे, तो इस मैच आई थिंक फ्लॉप हो सकते हैं, इसकी वजह से मैं इनको आज नहीं पिक करूँगा। और यहाँ पे मिथुन भी है, मिथुन भी आप ट्राई कर सकते हो, पर अभी के लिए मैं जुनियर सिद्दीकी के साथ जाऊँगा। तो ये मेरी स्मॉल टीम रहेगी। तो वही कैप्टन वाइस कैप्टन में, कैप्टन मेरे यहाँ पे करीम जन्नत कैप्टन मान रहा हूँ, वाइस कैप्टन में डेविन पेट्रोस। कैप्टन इसलिए क्योंकि करीम जन्नत सब मैच में बॉलिंग और बैटिंग अच्छा से कर लेता है, और डेविन पेट्रोस ये भी एक विकेट टेकर बोल रहे हैं, इसलिए मैं इनको आज वाइस कैप्टन मान रहा हूँ। तो अगर ये मेरी स्मॉल टीम रहेगी। और ग्रैंड लीग में यहाँ पे ऑप्शन है आपको कैप्टन रोहन पॉल और वाइस कैप्टन उस्मान खान, दोनों में दोनों को बना सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग के लिए। पर अभी के लिए स्मॉल लीग में करीम जन्नत कैप्टन और वाइस कैप्टन डेविन पेट्रोस होगा। तो ये मेरी स्मॉल टीम रहेगी। और अभी फ्री एंट्री है, फ्री एंट्री ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।